हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम लेवल। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले जो आने वाले सारे के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय श्री भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहले द्वीपक्षीय अभ्यास को अभ्यास अयोध्या नाम दिया है? जो अयोध्या नाम दिया गया है जो है थाईलैंड देश को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस शहर ने प्रतिष्ठित गोले मेले की आयोजन की है? जो शहर है जो उधमपुर है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी। क्वेश्चन नंबर चार है, कौन सा बैंक ने कनाडा को अपना न्यूनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी मनी टू इंडिया पेश किया है? जो बैंक है जो ICICI बैंक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच है, मानसिंह ने 22 जनवरी 2024 को कहाँ एशिया मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं जो हांगकांग में है, हांगकांग में जो कि चाइना में है, ये ए है मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छह, हाल ही में भारत सरकार ने किस बॉर्डर पर बार लगाने और मुफ्त में आवाजाही रोकने की घोषणा की है? यानी मुफ्त में जो फ्री थी आना जानी वो जो बैन कर दिया गया है, म्यांमार बॉर्डर पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सात, आयुष दीक्षा भारत सरकार का एक मानव संसाधन विकास केंद्र के निर्माण के लिए 20 जनवरी 2024 को कहां केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी CARI में शिल्पन्यास समारोह आयोजित किया है? जो कहां है तो भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर आठ है, किस देश में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे लगभग 721 फीट राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है? जो देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई गोल्ड रिजर्व लिस्ट में 8136.46 टन का भंडार के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? जो अभी फर्स्ट में है, पहला स्थान पर है जो अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर दस है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF किस देश के दोबोस में अपनी वार्षिक बैठक के लिए जाना जाता है? जो देश है स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बारह है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वस्तुकार कौन है? मुख्य वस्तुकार हैं जो श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। क्वेश्चन नंबर तेरह है, निम्नलिखित में से कब जनगणमन को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? जो अपनाया गया था जो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर चौदह, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। जो आर्टिकल है आर्टिकल 53 के अनुसार ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ सिन्हों को संवैधानिक रूप से मान्यता कब मिली थी? जो मान्यता इसको मिली थी जो 26 जनवरी को ही मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश को जनवरी 2024 यानी WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है? जो WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है जो केप वर्ल्ड, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कब अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे? जो शहीद हुए थे 1971 में, जो उनके याद में 26 जनवरी 1972 को स्थापना की गई थी। चलिए आज को इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।